Hi guys, welcome to my channel. My name is Namrata and मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ how I actually shave my face. And to be very honest, it's a very very personal choice. अगर आप अपना चेहरा शेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं but the major reason why I do it and I recommend it, अगर आप अपनी स्किन को आपने ये टर्म सुना होगा माइक्रो नीडलिंग. When you shave your face घर पे basically, it's not going to be on a very professional level, but it has so many benefits. It provides with an amazing base for your skin. क्योंकि आप जो सीरम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, आप मेकअप लगाते हैं, प्राइमर्स लगाते हैं, जब आपके चेहरे पे पीच फज ना हो, इट अब्सॉर्ब्स रियल वेल. ओके, एज वेल एज व्हेन यू शेव योर फेस, आपकी डेड स्किन निकल जाती है, आपकी हल्की हल्की टैनिंग निकल जाती है. सो इट इज़ एक्चुअली गुड एंड आई शो यू हाउ आई डू इट एंड मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्या यूज़ नहीं करती हूँ, कैसे करती हूँ. एंड हियर इट इज़. Having facial hair is very normal and natural. So आप कभी embarrassed feel मत कीजिएगा because you have lot of facial hair. So here are the tips that you need to follow when you are about to shave your face. I have taken off all the makeup and मैंने अपना just अभी चेहरा wash किया है. Make it a point कि before आप अपना चेहरा shave करें, आपकी skin completely clean हो और काफ़ी hydrated हो. So I usually use aloe vera gel और मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ so that you know it gives this very cooling sensation. As well as जब आप चेहरा शेप करना चाहते हो, why specifically cold is because जब कोई भी चीज़ ठंडी चीज़ basically आप अपने चेहरे पर लगाएं तो आपके पोर्स बंद हो जाता है and आप गुनगुने पानी से या कोई वार्म चीज़ या गर्म चीज़ अपने चेहरे पर लगाएं तो आपके पोर्स खुल जाते हैं. So when you're shaving, you don't want any of the dirt and the dead skin cells and everything कि वो आपके पोर के अंदर चले जाए. सो यूजिंग अ चिल्ड, आप पहले आइस क्यूब रब कर सकते हैं, आप एक चिल्ड एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ कीजिए जिससे आपके पोर्स बंद हो जाए एंड फिर आप अपना चेहरा शेव. आप ये देख सकते हैं दैट यू नो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं थोड़ा थिक लेयर लगाऊँ एलोवेरा जेल का अपने चेहरे पे एंड ट्रस्ट मी द सूदिंग फीलिंग मुझे इतना अच्छा लग रहा है. मेरी स्किन भी इतनी ठंडा ठंडा, इट फील्स रियली नाइस. एंड मेक इट अ पॉइंट आप जहाँ जहाँ शेव करने वाले हैं यू कवर अप ऑल दोज एरिया, वो आपका अपर लिप हो गया हो या आप नेक हो गया हो, आप जहाँ यू आर अवेयर कि हाँ भाई दीज आर द टारगेट एरियाज जहाँ मुझे शेव करना है, आप वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल लगा लें. एंड हियर वी आर. ओह माय गॉड. मैं कभी कभी इफ़ आई कैन नॉट गेट अ हैंड ऑन दीज, आई डू हैव बालकनी में एलोवेरा प्लांट का जेल दैट इज़ मोर नेचुरल एंड वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. लाइक आई एम नॉट डाउटिंग द ब्रांड बट ऑफकोर्स नेचुरल इज़ ऑलवेज बेटर. तो जब आप वो भी यूज़ कर रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट कि आप यू नो एलोवेरा जेल के लीव के जो एजेस होते हैं आप उन्हें प्रॉपरली निकाल दें. वो येलो कलर का, इट गिव्स आउट सम लिक्विड, येलो कलर का लिक्विड विच इज़ नॉट दैट ग्रेट फॉर योर स्किन एंड एक्चुअली बर्न्स योर स्किन. मैंने ऐसी गलती की है तो आप वो मत कीजिएगा, कम्प्लीटली उसे क्लीन कर लीजिए और फिर आप वो जेल को रिमूव करके फ्रिज में एक दो घंटे के लिए रख लीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए एंड यू आर गुड टू गो. सो यस, यू कैन डू दैट. एंड आई थिंक हमने मतलब आईब्रो के नीचे मुझे सिर्फ ये वाली एजेस निकालनी है, बाकी सारी जगह हमने ढंग से लगा लिया. एंड वी कैन स्टार्ट द एक्चुअल गेम नाउ. ओके, हमने ये लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से हर जगह लगा लिया है एंड आई एम लेट इट गोइंग टू सिट फॉर अ मिनट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट यू नो शेविंग माई फेस, ताकि ये जो भी कूलनेस है वो मेरी स्किन प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके, एलोवेरा जेल को एब्जॉर्ब कर सके. एंड आई गिव इट अ टाइम, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि पोर्स यू नो ब्लॉक हो जाएंगे, टाइटन अप हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, जैसे आपको कह रहे हैं. ब्लॉक वॉज अ रॉन्ग वर्ड. सो या एंड मैं एक्चुअली यूज़ करने वाली हूँ ये वाला रेजर. आई मीन आई हाईली रिकमेंड ऐसे रेजर जिसके ऊपर क्रिस क्रॉस हो. आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल और नॉट, बट जो क्रिस क्रॉस हो. मैंने स्ट्रेट वाले यूज़ किए थे ना, आई हैव गिवन माई सेल्फ कट्स
ट्रस्ट मी, एंड बहुत डीप कट्स हो गए थे वो, यहाँ आईब्रोज के पास दे दिए थे मैंने, एंड यहाँ जाते हुए मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया व्हाइल आई वाज शेविंग इट. एंड आई मैं काफ़ी सालों से करते आ रही हूँ अपना चेहरा शेव, एंड या दैट वाज अ ह्यूज ब्लंडर. To be very honest, this feels very satisfying. And one of the best thing about shaving your face is that कि ये आपके चेहरे के पूरे डेड स्किन की लेयर को रिमूव कर देता है. And इसे माइक्रो ब्लीडिंग भी कहते हैं, बट हम उतने डीपर लेवल पे नहीं जा रहे हैं विद दीज रेजर्स जो इजीली अवेलेबल होते हैं. द बेस्ट रेजर्स दैट आई फाउंड इज आपको मिनी सो में काफ़ी अच्छे वाले रेजर्स मिल जाएंगे, यू नो. उनके रेजर्स काफ़ी, यू ऑलवेज गेट अ पैक ऑफ थ्री, लाइक यूजली मैं जितने बार गई हूँ मुझे तो पैक ऑफ थ्री ही मिले हैं, एंड दे इवन हैव पैक ऑफ फाइव. एंड ये मिनी साइज में भी हैं उनके पास अवेलेबल, विच इज़ एक्चुअली वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, जो आप ट्रैवल करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं. आई मीन एज आई मेंशन्ड, मैं काफ़ी सालों से ये करती आ रही हूँ, सो आई एम क्वाइट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि कौन से एरियाज में मुझे शेव करना है. दैट्स वाई मैं एक हाथ से फ्री हैंड ये कर पा रही हूँ. पर अगर आप नए हैं, आप ये पहली बार कर रहे हैं, तो बी एज काम as possible, as stable as possible, and आप figure out कीजिए कि कौन से area को आपको specifically target करना है, and that will be very beneficial. Okay, आप ये dogs की barking सुन सकते हैं, ये मेरे society के doggies हैं, and they love chasing cars, bikes. चाहे पहचान वाले के हो, अनजान की हो, इट्स इफ इट्स समथिंग दैट यू नो उनकी दोपहर की नींद किसी ने डिस्टर्ब की, दे आर गोइंग टू बार्क, दे आर गोइंग टू मेक अ फज आउट ऑफ इट, जैसे वो अभी कर रहे हैं. आप देख सकते हैं ना, यू नो माय फीट, माय स्किन फील्स सो लाइट एंड फील्स सो गुड. आई कांट टेल इट, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैटिस्फैक्शन दैट आई गेट whenever I shave my face. It's really fun and amazing. I mean, pretty much in the same and opposite direction. Hamesha aap downward start kijiye, and aap aise marking de sakte hain ki aapko kaun sa area cover up karna hai, kaun sa nahi. मुझे सबसे ज़्यादा फेशियल हेयर यहाँ होता है, दिस इज़ द एरिया जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा फेशियल हेयर होते हैं, एंड ऑफ कोर्स अपर लिप्स, वेरी मच नॉर्मल, वेरी मच नेचुरल, अपर लिप्स तो होना ही है. कुछ कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं और उन्हें ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं होता है. बट अगेन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग रेड ऑफ योर फेशियल हेयर, इट्स इवन गिविंग योर skin that breather by taking off all the dead skin, getting rid of all the dead skins. जैसे आपको स्ट्रेट करना है आप इसे स्ट्रेट कर सकते हैं, but yeah, it is beneficial for your skin. And जैसे मैं कह रही थी कि I majorly do it because मुझे ये मेकअप के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. आपका प्रोडक्ट जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, आप प्राइमर लगाते हो, जब आपके पास पीच हेयर या फेशियल हेयर नहीं रहे, स्किन ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे एब्जॉर्ब कर पाती है, एंड दैट प्रोवाइड्स विद अ रियली ग्रेट बेस फॉर योर फेस एंड योर मेकअप, एंड यू नो वो काफ़ी फ्लॉलेस लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड योर यू नो ईजी एप्लीकेशन, बेटर एप्लीकेशन, एंड वो ज़्यादा देर तक रहेगा भी. वंस यू आर डन शेविंग योर फेस, आप बस अच्छे तरीके से अपना चेहरा धो लीजिए, आप मेक इट अ पॉइंट दैट देयर इज नो रेसिडुअल रेफ्ट, योर एंटायर फेस इज वेल वाइप्ड ऑफ. ड्राइंग अप
योर फेस, मेक इट अ पॉइंट कि आप काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर एंड सेरम जैसे भी आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो चीज़ें यूज़ करें. मॉइस्चराइजर इज़ अ मस्ट. डू मॉइस्चराइज योर फेस एंड लेट, अगर आप कहीं बाहर जाने का आपका कोई प्लान नहीं है, आप घर पे ही हैं, तो एक दो घंटे के लिए आप अपने चेहरे पे सिर्फ मॉइस्चराइजर सेरम जो भी आप अप्लाई करते हैं वो लगा के रखें और कुछ ऐड ना करें. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं आपके साथ ऐसे ही मेकअप हैक्स, फैशन हैक्स, स्किन केयर हैक्स, ये सारी चीज़ें शेयर करती रहने वाली हूँ. सो डू सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.